गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि ऊटी कुल्लू और कोयम्बटूर की प्लान किस तरह से करें पूरी टूर आइटनरी। मैं आपको बोलूंगा हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा वीडियो के अंदर। और मेरी जो वीडियो जो तीन पार्ट में होगी, फर्स्ट डे ऊटी, देन कुल्लू, देन कोयम्बटूर। और आज के इस वीडियो में हम आए हैं ईशा फाउंडेशन शिवा स्टैचू। कोयम्बटूर आने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन से डायरेक्ट कोयम्बटूर स्टेशन तक आ सकते हैं, और आप फ्लाइट से दिल्ली से डायरेक्ट कोयम्बटूर एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, कोयम्बटूर टूर की स्टार्ट हमने की ईशा फाउंडेशन के शिवा स्टैचू के साथ। तो हम सबसे पहले पहुंचे ईशा फाउंडेशन शिवा स्टैचू, उसके बाद हम लोग गए कोट्टवरम वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल था, लेकिन उसकी जो आसपास की ब्यूटी थी वो बहुत ही प्यारी थी, जो कि आप देख सकते हो। और फाइनली हम पहुंचे कोयम्बटूर के एक बहुत ही फेमस मॉल में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और रात कल रात हम पहुंचे थे कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर पहुंच के आज हमें जाना है ईशा फाउंडेशन और एक दो टेंपल और कवर करने हैं। और ये हमने होटल लिया था, होटल विनायका बाय ट्रिबो, तो इट्स अ गुड होटल। और यहाँ से निकल के स्टेशन के पास में ही है, अभी यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे यहाँ से और डायरेक्ट जाएंगे ईशा फाउंडेशन। भाई ब्रेकफास्ट कर दिया है, अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान है मॉल घूमने का, मॉल जाएंगे, मॉल के बाद फिर निकलेंगे ईशा के लिए। सो भाई फर्स्ट शालिनी की रिक्वेस्ट पे हम लोग आए हैं कोयम्बटूर के एक मॉल के अंदर, और मॉल काफ़ी अच्छा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। आपको भी दिखाता हूँ मैं मॉल कितना अच्छा है। फाइनली वी आर एट कोट्टवरम वाटरफॉल, लाइन लगी हुई है टिकट के लिए, यू कैन सी द लाइन। तो भाई टिकट कर ली है परचेज, और अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अलाउड है। अगर नहाना अलाउड होगा तो जरूर नहाएंगे, और नहीं होगा तो बाहर से देख के वापस आ जाएंगे। तो लेट्स गो, 50 मीटर बोला है चलने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं वाटरफॉल और आपको भी दिखाएंगे फिर। तो गाइस यहाँ पे टिकट परचेज करने के बाद लाइन लगानी पड़ती है, बहुत लंबी, आप देख सकते हो बहुत पीछे से लाइन है, आगे भी बहुत लंबी लाइन है। तो लंबी लाइन है, अब वो लाइन किस लिए, क्योंकि यहाँ से ना बस के थ्रू हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। तो बसेज आएंगी और बस के थ्रू विल गो इनसाइड टू द वाटरफॉल, और फिर बस के थ्रू ही हम लोग वापस भी आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। विल वेट फॉर द बस, बस आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप की बसेज आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से फिर पीपल को लेके जा रही है, और हम भी जाते हैं अभी, हम भी बैठेंगे इस बस में, हम नेक्स्ट बस आएगी उसमें बैठते हैं, फिर जाते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस अभी पुलिस पर्सन से बात की है, पीछे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इनसे बात की है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जो बस जाएगी ना 2 किलोमीटर, तो बस से जाना है, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर के अंदर ट्रैकिंग है। तो अभी बस आई नहीं है, अभी बस आएगी हमारी, तो आगे दिखाएंगे 1 किलोमीटर की कैसे ट्रैकिंग है, तो लेट्स गो। तो गाइज बोर्ड कर चुके हैं अब हम अपनी बस, और यहाँ से निकलेंगे, 2 किलोमीटर अंदर तक जाना है, अभी दिखाते हैं कैसा रास्ता है। और क्राउड आप देखो बस में, मैं दिखा, तो भाई अब यहाँ आ चुके हैं, अब आफ्टर 2 किलोमीटर बस का ट्रैवल करके अब 1 किलोमीटर और जाना है हमें, ऊपर ट्रैकिंग करके दिखाता हूँ आपको ट्रैकिंग। ये देखो सामने जो रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है ट्रैक करते हुए, और हम जाएंगे फिर वाटरफॉल की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पे 900 मीटर, 900 मीटर्स अवे, और उधर बस वाली लाइन भी लगी हुई है वापस जाने वाली, देखो कितनी लंबी लाइन है। तो गाइज ये देख सकते हो ना, आपको लकड़ी का ये एक ब्रिज भी बना हुआ है यहाँ पे, टूटा हुआ सा लग रहा है, लेकिन आई थिंक इसको भी यूज़ करते होंगे पहले। भाई मैं आपको ये ब्यूटी दिखाना चाहता हूँ, बारिश होते हुए, और कितना अच्छा लग रहा है यार। सामने वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा होगा, भी आगे जाके और बड़ा हो जाएगा, बट व्हाट इज द ब्यूटी यू कैन सी। तो गाइस ये है कोट्टवरम फॉल्स, बड़ा छोटा सा है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही छोटा सा फॉल है, अभी ज़्यादा पानी है नहीं इसमें, आई थिंक जब बारिश होती होगी तो बहुत अच्छा फॉल दिखता होगा। और ये यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, दे आर इन्जॉइंग, दे आर टेकिंग बाथ, और वहाँ आगे भी है नहाने का कुछ, लेकिन हम लोग आगे तक नहीं जाएंगे, हम यहीं पे इन्जॉय करेंगे, फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, और यहाँ से वापस जाना है क्योंकि ईशा भी जाना है, और अभी बस की भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एंड बट यहाँ की जो ब्यूटी है ना, इज़ ऑसम।
ये देखो भाई फर्स्ट टाइम शाली केले के पत्ते पे खाना खाते हुए। और सांभर राइस, सांभर हीरा राइस, हीरा सांभर इन्होंने केले के पत्ते पे दिया था लेकिन हमने बाउल में ले लिया। खा के मैं भी टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ईशा की ओर। तो गाइस फाइनली वी रीच्ड एट ईशा योगा सेंटर एंड यू सी द बोर्ड ऑफ ईशा। दिस इज ईशा फाउंडेशन शिवा स्टैचू। और यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग है ना गाइस, तो यहाँ पे आप आने के बाद ही फील कर सकते हो। चारों तरफ का व्यू यू कैन सी, बहुत ही अच्छा व्यू है। माउंटेन्स ही माउंटेन्स है चारों तरफ, बीच में शिवा का स्टैचू। फीलिंग टू बी हियर, तो कोयंबटूर आओ तो इस जगह को मिस मत करना, यू शुड कम एंड। वी आर एट शिवा स्टैचू नाउ और अभी हम लोग करेंगे परिक्रमा। अभी चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं एक स्टैचू के और फिर आपसे बात करेंगे इसके बाद ये स्टैचू। गाइस यहाँ हमने लिए हैं वेज मोमोज। तो गाइस अब हम शाम को यहाँ बैठे हुए हैं लाइट शो का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है 10 बजे की, तो ड्राइवर ने बोला कि जल्दी निकलना है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये शालिनी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, ये अथर्व यहाँ पे, और हम यहाँ, और भोले बाबा। तो हम सब यहाँ पे जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सब वेट कर रहे हैं लाइट शो। और वेदर बहुत ही प्यारा है गाइस, और पीछे आप देख सकते हो व्यू भी बहुत ही अच्छा है। बस वी आर वेटिंग, अब तो जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही हम दिखाएंगे आपको। गाइस मैं आपको ना एक व्यू दिखा दूँ माउंटेन का और क्लाउड का, ये देखो भाई ब्रेथ टेकिंग व्यू है ये, माउंटेन्स एंड क्लाउड्स यू कैन सी, बहुत ही प्यारा व्यू। मतलब यहाँ पे आके ही हम लोग इसको फील कर सकते हैं। अब हो चुका है हमारा टूर एंड ये था लास्ट प्लेस जहाँ हमने विजिट किया कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में। और अब हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से स्टेशन और वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन, देन जाएंगे चेन्नई, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चेन्नई से दिल्ली बाय एयर। और ये शाली शाली टूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा तेज बोलना। टूर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सबसे एट द एंड दिस स्टैचू, ये जो ईशा फाउंडेशन का जो स्टैचू है ना यार, इसने ना पूरे टूर का, मतलब कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो इसने पूरे टूर का मजा एक तरफ और इस ईशा फाउंडेशन के शिवा स्टैचू का मजा एक तरफ, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। और जो वेदर है ना यहाँ का, तो बहुत ही मतलब मिसमराइजिंग वेदर, और क्या मतलब कोयंबटूर आओ और ईशा फाउंडेशन जरूर आओ। तो ये था हमारे पूरे टूर का ब्रेकअप और पूरे टूर का एंड अब होने जा रहा है। तो अब हम चलेंगे डायरेक्ट, अब आपको मिलेंगे डायरेक्ट दिल्ली। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो,